गुड इवनिंग बच्चों, आज के वीडियो में हम मोशन इन ए प्लेन में एक न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं। कहता है कि किसी 19.6 मीटर हाइट पर हम खड़े हैं और वहां से हॉरिजेंटली दो बुलेट्स फायर करते हैं। पहले वाले बुलेट की स्पीड है 50 मीटर पर सेकंड, दूसरे वाले की है 100 मीटर पर सेकंड। तो क्वेश्चन ये कहता है क्या दोनों एक साथ जमीन पर गिरेंगी? तो अब आंसर समझिए कि पहला जो क्वेश्चन कहता है क्या दोनों एक साथ जमीन पर गिरेंगी, तो देखिए एक बार ध्यान से समझिए, जब भी किसी चीज को हम मान लीजिए हॉरिजेंटली फेंक रहे हैं, ठीक है, तो हॉरिजेंटली फेंक रहे हैं तो इसको नीचे लाने के लिए, यानी बुलेट को, जो बुलेट है ये, जब ये नीचे आएगी तो किस वजह से आएगी? तो आंसर है ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी कहाँ काम करेगी? नीचे की तरफ। आपने वेलोसिटी जो दी है, वो स्पीड जो दी है, वो हॉरिजेंटल दी है। साफ क्वेश्चन में कहता है हॉरिजेंटल दी है, तो हॉरिजेंटल कितना भी आप स्पीड दे दें, इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो नीचे ग्रेविटी का कुछ उसमें फर्क आएगा। हमेशा ग्रेविटी हॉरिजेंटल स्पीड पे डिपेंड नहीं करती। तो एक पॉइंट ये है कि ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन हॉरिजेंटल स्पीड, कह सकते हैं हॉरिजेंटल स्पीड से कोई फर्क नहीं। आप 100 फेंकिए, 500 फेंकिए, 1000 मीटर पर सेकंड से फेंकिए, हमेशा दोनों एक साथ जमीन पर टकराएंगे, अगर वैक्यूम नहीं है, मतलब अगर वैक्यूम है तो, ठीक है। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा बोथ विल स्ट्राइक सेम टाइम। लेकिन प्लेस सेम ही होगा, एक आगे गिरेगा तो एक पीछे गिरेगा, नॉट सेम प्लेस। फिर कहता है कि जो टाइम लगेगा वो कितना टाइम लगेगा, तो इसका सीधा एक फार्मूला हमारे पास है। फार्मूला होता है h = ut + ½gt². देखिए हाइट कितनी है 19.6, ये क्या चीज होती है, बस ये समझना है आपको, ये होती है इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। ये जो लिखा हुआ है यहां पर, इसका मतलब है इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। तो इनिशियल तो है लेकिन वर्टिकल तो नहीं है ना, यहाँ हॉरिजेंटल वेलोसिटी है, इसलिए ये जीरो हो जाएगा। हमेशा हाइट के मामले में इसको आप हमेशा रिमाइंड करेंगे इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। हमने डेरिवेशन में भी सिखाया आपको इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी ये होती है, क्योंकि यहाँ इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी हमें दी नहीं। अगर इसको किसी एंगल पर हम इसको थ्रो करते तो वहां पर हमारे पास दो कंपोनेंट बनते, एक यू कॉस थीटा बनता और एक यू साइन थीटा बनता, फिर वहां पे हमें u sin थीटा लेना होता। लेकिन यहां पर हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल फेंका है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहां पर वर्टिकल वेलोसिटी एब्सेंट रहेगी। प्लस हाफ g की वैल्यू 10 ले लें और t स्क्वायर हमको निकालना है, तो या यहां पे या 9.6 ले लीजिए, ज्यादा ठीक रहेगा, ऑथेंटिक आंसर आ जाएगा 9.8 सॉरी। तो यहां पर कैंसिल होगा, तो ये जो फाइनल आंसर है वो 2 सेकंड आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 2 सेकंड, ये इसका आंसर है। तो कॉन्सेप्ट आपको यही समझना है, हॉरिजेंटल वेलोसिटी से ग्रेविटी का कोई मतलब नहीं है। हाँ, आप वर्ट किसी एंगल पर फेंकते तो एक अलग बात थी, फिर वहां पर फर्क आता है, लेकिन चूंकि हॉरिजेंटल फेंका से कोई फर्क नहीं है, सेम टाइम पे सेम प्लेस पे तो नहीं, लेकिन सेम टाइम पे करेंगे। ठीक है बच्चों, गुड बाय।